हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मुकेश। फ्रेंड, अभी बात करने वाला हूँ मारुति सुजुकी स्विफ्ट के मॉडिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड, मैं बात करने वाला हूँ कि फ्रेंड जो मारुति सुजुकी की जो स्विफ्ट है वो एक रोड लीगल रेस कार में किस तरह से हम जो है वो मॉडिफाइड कर सकते हैं, कौन कौन से पार्ट्स जो है वो हमें इसके अंदर मॉडिफाइड देखने को मिलने वाले हैं, इन्हीं सारी डिटेल्स के बारे में फ्रेंड्स मैं बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड, मैं जिस कस्टमाइज स्विफ्ट के बारे में बात करने वाला हूँ फ्रेंड, वो रेसिंग इंस्पायर्ड बॉडी किट के साथ और न्यू बैंड स्कीम के साथ जो है वो हमें देखने को मिलने वाली है, जिसके अंदर में स्लाइडिंग री स्टाइल फ्रंट फेशिया, न्यू बजट सेटअप के साथ हमें इंडिकेटेड LED DRL, LED इंडिकेटर्स जैसे चेंजेस जो है वो हमें इसके फ्रंट फेशिया में देखने को मिलेंगे, और फिर जो हेडलैम्प है वो भी हमें टॉप एंड पर विनी कवर और न्यू स्प्लिटर भी जो है वो हमें इसके बॉटम में देखने को मिलेगा। साइड प्रोफाइल के बारे में बात करो तो फ्रेंड्स, के साइड में हमें स्प्लिटर ट्रीटमेंट देखने को मिलने वाला है, और फिर जो इसके एलो व्हील्स है वो भी हमें न्यू और ब्लैकआउट यूनिट्स के साथ फैल्कन एजेनिस रबर टायर्स देखने को मिलेंगे। और अगर मैं इसके रियर के बारे में बात करूं तो फ्रेंड, जो रियर है उसमें हमें कोई भी चेंजेस जो है देखने को नहीं मिलेगा, ओनली जो रूफ माउंटेड स्पॉइलर है वही हमें जो है वो देखने को मिलने वाला है। और अगर मैं इसके स्टिकर मॉडिफिकेशन के बारे में बात करूं तो इसके अंदर सुजुकी का लोगो, WRC का स्टिकर जो है वो मैं साइड इंडिकेटर्स में, और स्पॉटी डिकेल्स जो है वो मैं साइड में देखने को मिलने वाले हैं। फ्रेंड, आज के लिए मॉडिफिकेशन में हमको इतना ही देखने को मिलता है। फ्रेंड, आपको मॉडिफिकेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। फ्रेंड, और भी अगर आपको हमारे के बारे में जानना हो तो फ्रेंड आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे आने वाले हर ऑटोमोटिव वीडियोस के अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिले। एंड फिर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।